brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. देश में पिछले कई सालों से स्वच्छता यानी कि क्लेनलीनेस के मामले में अव्वल रहा इंदौर क्या एक और रिकॉर्ड बनाने वाला है? रिकॉर्ड इस बार चुनावों को लेकर, मतदान को लेकर और रिकॉर्ड नोटा को लेकर कि क्या इंदौर लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र बनेगा जहां पर सर्वाधिक नोटा वोटर्स के द्वारा दबाया जाएगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर फिलहाल सियासत का एपिसेंटर बना हुआ है। जब से इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद से लगातार इंदौर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां एक तरफ कांग्रेस ने किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है, वहीं जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो जनता के बीच में जाएंगे, कांग्रेस जनता यानी कि वोटर्स के बीच में जाएगी और नोटा का उपयोग करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है, जो भी प्रकरण इंदौर में हुआ उसे। इतना ही नहीं, कांग्रेस का यह कहना है कि जो धोखा बीजेपी ने दिया है उसे वो इंदौर की जनता के बीच में लेकर जाएगी और जनता के लिए नोटा एक ऑप्शन हो सकता है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि वो किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन नहीं देगी और जनता से ज्यादा नोटा को चुनने के लिए कहेगी। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इंदौर शहर की जनता आखिर किसे चुनती है, इंदौर शहर के वोटर्स किसे चुनते हैं। माना यह जा रहा है कि अगर नाराजगी इंदौर की जनता नोटा के जरिए निकालती है बीजेपी के ऊपर, या फिर जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो अगर बीजेपी के ऊपर अपनी नाराजगी नोटा दबाकर निकालते हैं, तो ऐसे में इंदौर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, कीर्तिमान होगा सबसे ज्यादा नोटा पर वोट पड़ने का। हालांकि इसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा और 4 जून को पता चलेगा कि आखिर इंदौर की जनता ने किसको चुना है, क्या इंदौर की जनता ने नोटा को लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है या नहीं किया है। लेकिन फिलहाल शंकर ललवानी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं इंदौर से, उनको कहीं ना कहीं एक क्लीन फ्लोर मिल गया है और कांग्रेस जो है वो लगातार इस पूरे मामले को मुद्दा बनाकर मध्य प्रदेश में जो है चल रही है और वोटर्स के बीच में पहुंच रही है, साथ ही इंदौर की जनता से नोटा को दबाने का या नोटा को चुनने की अपील करती हुई दिखाई दे रही है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रचुरी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।